dearest husband, and I want to make sure that I give you the best surprise ever. Congratulations. I trust your abilities, and I'm sure कि ये डैन मूसा एक दिन गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन के उभरेगा. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. लेकिन ये ऑफिस मुझे कुछ छोटा लग रहा है आपके काम के हिसाब से. तो I'll look for something. नहीं नहीं तला सर. We have enough space here. ऊपर एक और फ्लोर है, मैं दिखाता हूँ आपको. अच्छा. आई प्लीज प्लीज आफ्टर यू. Hello, we are here. Ah, assalamu alaikum. Kya hai? This is for you. Thank you. Hello. Hey, hello. Hey. Oh, how are you? How are you? Fine, how are you? Sir, thank you for coming. Yeah. Hi, hey, कैसे हैं आप? कब से आपका इंतजार हो रहा था यार? My special guest today. Thank you for coming. कैसी हो? I'm good. तुम सुनाओ? सुनाती हूँ ना, सबको आने दो. सब आ जाएंगे तो फिर सुनाऊंगी तुम्हें, ठीक है? सलमान, वैसे बहुत अफसोस की बात है यार. तुम नताशा को प्यार और अटेंशन नहीं दे पाए. It's really sad. ये तुमसे किसने कह दिया? कहने की क्या जरूरत थी, नताशा ने तो करके ही दिखा दिया है ना. सलमान ने तुम्हें प्यार और अटेंशन नहीं दिया ना, टाइम नहीं दिया. इट्स वेरी सैड टू नो दैट. तभी तो तुम दूसरों के हस्बैंड पे लाइनें मारना शुरू होगी. तुम नहीं दोगे प्यार अटेंशन तो लड़की तो दूसरी जगह मुंह मारेगी ना. क्या बात, ये किस किस्म का मजाक है? मजाक तो नहीं मैं कर रही, इट्स ट्रू. Do you remember this? तुमने नताशा को एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था. Amazing, gorgeous. Remember? वो एक्चुअली एयरिंग अदील की गाड़ी से मिला था, तो मैंने कहा अमानत है तुम्हारी तो मैं वापस कर दूँ. पता नहीं क्या कर रहा था अदील की गाड़ी में, मैं भी सोच रही थी. Do you know नताशा? प्रभा, क्या सबूत है ये मेरी गाड़ी से मिला? और क्या मेरी गाड़ी में किसी और का बैठना जुर्म है? नहीं, नहीं है जुर्म. गाड़ी में बिठाना जुर्म नहीं है, मगर किसी और की बीवी के साथ अफेयर चलाना जबकि तुम खुद शादीशुदा हो, जुर्म से भी बड़ा जुर्म है. So ladies and gentlemen, welcome, welcome for the celebration. जैसे हम प्यार सेलिब्रेट करते हैं, शादी सेलिब्रेट करते हैं, दोस्ती सेलिब्रेट करते हैं, आज हम सेलिब्रेट करेंगे एक बीवी का ये जानना कि उसका हस्बैंड एक चीटर और बहुत बड़ा फ्रॉड है. मेरी बात सुनो, तो कौन से क्या तमाशा लगाया हुआ है, अंदर चल के बात करते हैं. So evidence number one, don't touch me. Let's see the evidence. Get aside, please. So evidence number one. Oh wow. Adil Ahmed, मेरे husband, मेरी best friend, बल्कि childhood best friend, Natasha Salman के साथ भूरबन में पाए जाते हैं 3 दिन के लिए दिन रात. मुश्किल था CCTV footage को निकालना, but अपने contacts के through निकाल लिया. वो कहते हैं ना, when there is a will, there is a way. Evidence number two. इंतहाई प्यार भरी spicy and juicy बातें in messages and phone calls. पूरा डेटा मौजूद है यहाँ पे. एविडेंस नंबर 3, मेरे ही क्रेडिट कार्ड जो मैंने अदील को गिफ्ट किए हैं बिकॉज आई लव्ड हिम, बिकॉज ही इज माय हस्बैंड, मेरे ही पैसों से दिए गए क्रेडिट कार्ड का ढेर सारा बिल जो कि नताशा मेरी बेस्ट फ्रेंड पे खर्च किया गया. वाओ, इट्स अमेजिंग. पर तुम बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम मेरी, तुम्हें पता है बेस्ट फ्रेंड किसको कहते हैं?
उस फ्रेंड को कहते हैं जो अपनी दोस्त का बेस्ट इंटरेस्ट का हमेशा ख्याल रखे। तुमने ना मेरे बेस्ट इंटरेस्ट का ख्याल रखा, ना ही मेरी दोस्ती का। सो थैंक यू सो मच नताशा, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट। चले आइए, और भी है अभी देखिए, ये मेरे सास ससुर कितने मासूम लगते हैं ना, कितने भोले भाले देखने में। माय मदर इन लॉ डिड नॉट टच मी। आंटी, आई रियली लव्ड यू। मैंने आपको अपना सब कुछ दिया सिर्फ इसलिए कि मुझे लगा मेरी मदर यहाँ पे नहीं है और आप मेरी मदर हैं। अंकल का इलाज करवाया, पैसे स्पेंड किए, हर चीज, एवरीथिंग आई हैव गिवन यू। मुझे बस आपका प्यार चाहिए था और एक्सेप्टेंस चाहिए थी। बट व्हाट डिड यू डू? इट वाज ऑल अबाउट मनी, हाँ, फॉर यू एंड योर सन। एवरीथिंग इज मनी, नथिंग एल्स। सो आइए, लेट्स सेलिब्रेट टुडे माई हस्बैंड्स इनफिडेलिटी एंड फ्रॉड। कैमराज निकालें, मोबाइल ऑन करें प्लीज, करें ना करें, मोबाइल निकालिए। हैप्पी बर्थडे डियर अदील, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अदील, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेक श्योर ये वीडियो आप पोस्ट करना ना भूलिएगा। तुम भी अपने लिए एक गाड़ी बुक करवा लो। सोचा तो यही है, अस्पताल से अपने बच्चे को गाड़ी भी वापस लेके आऊं। तो मेरे घर का मसला तो हल करवा गया। यार चाबी तो मैंने तुम्हें दे दी है, डिटेल्स भेजी थी मैंने तुम्हें एक फर्निश घर की, 1.5 लाख मंथली रेंट है, तुम चाहो तो जाके देख सकते हो। मैं ओनर से तुम्हारी कल ही मीटिंग करवा देता हूँ। देखने की जरूरत नहीं है, मैंने पिक्चर्स देखी, अच्छा लगा मुझे। तुम बस डील करवा दो मेरी, मैं ऐसे हफ्ते ना शहीना के साथ शिफ्ट होना चाहता हूँ। ओके मुस्तफ़ा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। थैंक यू। ये क्या कर दिया तुमने रुबाब? कुछ तो मेरी इज्जत का मान रख लेती। आखिर शौहर हूं मैं तुम्हारा। क्या किया मैंने? कुछ किया क्या? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम्हारी मेमोरी थोड़ी सी वीक है ना, तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या थी। भूल गए कहां से उठाकर तुम्हें कहां बिठा दिया मैंने? हाँ, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। पैसों का तो मुझे पता था कि तुम एक इंतहाई लालची इंसान हो, आई न्यू दैट, बट आई लव्ड यू, सो कोई बात नहीं, पैसों की तो परवाह नहीं की मैंने, बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम एक इंतहाई डेस्परेट इंसान हो, मेरी ही फ्रेंड के साथ चीट कर रहे थे। God's sake, रुबाब, जरूर तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया, राइट? तुम्हारे खिलाफ कोई भड़काएगा मुझे? हो कौन तुम? भूल गए हो? हाँ, यू थिंक यू आर दैट इंपॉर्टेंट? और अभी तो तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किया क्या है, तुम्हें लग रहा है कि तुमने बस वो ही किया है जो तुमने किया है। नाउ देयर इज अ लॉट मोर जो तुम्हें पता चल जाएगा बहुत जल्द। क्या करने वाली हो तुम? रुबाब मंसूर खान को धोखा देने की कोशिश की है तुमने, बेकार कोशिश। और ये जो तुम फेक हैंडसम बने फिरते हो ना मेरे कपड़े पहन के, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें इन सब चीजों को उठा के बाहर फेंक दिया जाए। सो जस्ट बी रेडी। बेगम साहबा, कुछ लोग आए हैं, साहब का पूछ रहे हैं। जी जी, साहब के बहुत खास मेहमान आए हैं, उन्हें बिठाएं, साहब बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, राइट? आप उनके पूछें उन्हें क्या चाहिए, पानी चाय जो भी चाहिए, काइंडली सर्व देम। जी मैम।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान खान है, कस्टम इंटेलिजेंस। रात के इस वक्त मेरे घर आने की वजह जान सकता हूँ? आपको थोड़ी तकलीफ करना होगी, हमारे साथ चलना होगा। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो साथ ले लीजिए। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है और ये कोई तरीका नहीं है मेरे घर आके मुझसे बात करने का। हम सारे तरीके रूल्स फॉलो करके यहाँ तक आए, बेहतर होगा कि आप हमारे साथ ताउन करें। तो आप मुझे अरेस्ट करने आए हैं, क्या जुर्म है मेरा? आपके नाम पे बुक हुए जो आपने कंटेनर मंगवाए हैं, जिनमें सोयाबीन की आड़ में पाकिस्तान में बैन ज्यादा केमिकल निकले हैं, जो इस वक्त कस्टम ओकाम के कब्जे में है। दिस इज एब्सोल्युटली रबिश, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यही तो मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो अपना स्टेटमेंट दें, क्लियर करें अपने आप को। मैं लॉ जानता हूं और अपने राइट्स को भी जानता हूं। आप मुझे अरेस्ट करने आए तो वारंट है आपके पास? वारंट भी है हमारे पास, सर्च वारंट भी है हमारे पास, कोर्ट के सारे वारंट है हमारे पास। आप हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने दें, कानून को हाथ में मत लें, इनके साथ ताउन करें, हमें सख्ती करने पे मजबूर मत करें। ये सब तुमने किया है ना? ऑफिसर मेरा यकीन करें, ये सब झूठे इल्जाम है। इसने और इसके बाप ने साजिश की है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बैंड केमिकल्स, सीरियसली? How low can you go? Oh my God, man! मैं अभी इस शॉक से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ जो तुम कंपनी के लिए किकबैक्स लेते रहे हो अपने क्लाइंट से, और अब तुम लोगों की जिंदगियों से भी खेल रहे हो। कितना नीचे गिरोगे अभी? How much? सर प्लीज चलिए, मुश्किलात खड़ी मत करें। मैं तुम्हें और तुम्हारे मक्कार बाप को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। राइट कब से गई हुई है? 20 मिनट हो गए। रजीना, आओ भाई, लाइट चली गई थी तो बत्ती जला रही थी। शर्जीना, शर्जीना,
शर्जीना, शर्जीना उठो, शर्जीना क्या, शर्जीना उठो, शर्जीना उठो, शर्जीना। मुर्तजा आइए मैं आपको शॉपिंग दिखाऊं बच्चे की। मेरी दोस्त सुनते रहेगी, पढ़ के अभी आता हूँ। सर शॉपिंग भी आसान काम नहीं है, तो बाजारों में चल चल के टांगे शल हो गई, ऊपर से भाव ताव करने में अलग गला खुश्क हो गया। ये ले मम्मी। लो बेटा, थैंक यू। अम्मी शर्जीना अभी की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं। सारी आई हुई? किस वक्त आई हैं? एक घंटे पहले, हम बाजार में थे इसलिए आवाज ही नहीं आई। तो करो ना बेटा बहन को फोन। कर रही हूँ मम्मी। क्या हुआ? कर रही। जाओ जाके मेरा फोन लाओ, जल्दी जाओ। खैर करे, अब ले भी आओ रामीन, तुम तो जाके ही बैठ जाती हो। ये ले अम्मी। जल्दी आया करो ना, क्या हो गया? फिर तो बहुत कॉल्स आई हैं। बेटा तुम फोन करो शर्जीना को, मैं मुस्तफा को करती हूँ। अम्मी वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही। तुम करो तो करती रहो बस। आप शर्जीना पे वो कॉल कर रही हैं, मुस्तफा भाई को कर रही हूँ। मैं मुस्तफा कर रही हूँ, तुम शर्जीना को करो बस। भाई सलमा क्या शोर मचा रखा है? मुर्तजा हम दोनों के फोन पे शर्जीना की बेतहाशा कॉल्स आई हुई हैं। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या बात हो गई। बेतहाशा कॉल्स आई हुई? जी। खुदा खैर करे। बेटे मेरा फोन लेके आओ जरा अंदर से। जी बाप। तुम भी वैसे अजीब औरत हो, शाम के इस पहर छोटी बच्ची को लेके बाजारों में फिर रही और फोन घर पे छोड़ा हो। मुझे क्या पता था। बेटे लाओ फोन मेरा। ये ले बाबा। अरे मेरा फोन तो डेड पड़ा हुआ है। आप भी ना फोन तो चार्ज कर लिया करें अपना। बेटे मुस्तफा को फोन लगाओ। बाबा कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। जाओ तुम भी फोन मेरे अंदर चार्ज पे लगाओ। खुदा खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया, कैसी है शर्जीना, हुआ क्या है? मैं ऑफिस से आया तो गिरी हुई थी जमीन पे, मैंने बहुत जगाने की कोशिश की लेकिन मैं फिर अस्पताल ले आया। मुझे मत रोको शर्जीना, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। देखो तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम आखिरी सांस तक मेरा साथ दो, अच्छे बुरे वक्त में साथ रहो। अभी बुरा वक्त सारा गुजर गया, अब अच्छा वक्त आ रहा है, तो तुम जा रही हो यार। शर्जीना कंडीशन सही नहीं है उनको, बहुत सीरियस है। आई एम सॉरी टू से देवी हैज डाइड। चोट लगने की वजह से बेबी माँ के पेट में ही मर चुका था। इनको फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए इनका डीएनसी करवाना बहुत जरूरी है। मेरी बच्ची तो बच जाएगी ना। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। प्लीज शर्जीना को बचा ले प्लीज। हमारे बस में जो भी है हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं इतना बता दूं कि शर्जीना की जिंदगी इस वक्त खतरे में है।
उठे, get up, निकले मेरे घर से बाहर। सामान उठाए नहीं तो नौकरों को कह के सारा बाहर बिकवा दूंगी। निकले मेरे घर से बाहर। बेटा कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे अंकल हार्ट पेशेंट है, इस वक्त हम कहाँ जाएंगे आधी रात को? यो, don't call me your beta. I'm not your beta, okay? और वैसे भी आपका जो लाडला बेटा है ना, वो इस वक्त जेल में बंद है। And I will make sure कि कोई इसको बाहर ना निकलवा सके। घर तो आपके बेटे ने वैसे बिकवा दिया है, तो जाएं, सड़कों पे रुलें अब आप दोनों। Daddy was right. छोटी क्लास के लोग ना हमेशा छोटे ही रहेंगे। I don't know why I trusted you guys and gave you my everything. शक्ल क्या देख रही है मेरी? उठे और निकले यहां से बाहर। आधे घंटे का वक्त है आपके पास। Pack your stuff and get out of my house. अम्मी, शर्जीना को क्या हुआ? अम्मी बेटा, ऑपरेशन थिएटर। अपनी बहन के लिए दुआ करो, जिंदगी वो बहुत से लड़ रही है, बस डॉक्टर ने 50% चांस दिए है बस। अगर देर की गई तो बच्चे की बॉडी से रिलीज होने वाला हार्मफुल सब्सटेंस माँ के जिस्म में जहर बन के फैल जाए और खुदा ना खास्ता ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सलमा तुम्हें कहते रहे कि तुम हमारी तरफ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन तुम्हारी अना, तुम्हारी जिद, तुम्हारी ईगो, इतने बड़े 30 मार खान थे तो ख्याल रखते ना मेरी बेटी का। किस हाल में उसे पहुंचा दिया? वो लावारिस नहीं थी। बाबा, ये सही वक्त नहीं है बातें करने का। मत इल्जाम थे मुस्तफा को, किस्मत में जो लिखा था वही हुआ है। इसकी काहली और इसकी अकड़ को किस्मत का नाम मत दो सलमा। ये अकेला उस फ्लैट में मेरी बच्ची को लेकर बैठा रहा, और आज एक बात याद रखना मुस्तफा, अगर मेरी बच्ची को आज कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आई विल नॉट फॉरगिव यू, नॉट फॉरगिव यू। सलमान, गार्ड्स को कहना कि आज के बाद ये घर के सामने भी नजर ना आए। ओके मैम। मत जाओ शर्जीना, वापस आ जाओ, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे पता तुम नाराज हो मुझसे, बस एक बार मैं मना लूंगा तुम्हें, तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा शर्जीना, बस वापस आ जाओ यार। मर जाऊंगा तुम्हें कुछ हुआ तो। भाई कब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। ना मैं आप पर दबाव डालती, ना आपको घर बेचना पड़ता, और ना हम इस तरह ख्वार होते। जो होना था वो हो चुका, अब चलो यहाँ से। मैं तो ये सोच रही हूँ कि
मुस्तफा और शर्जीना पे क्या गुजरी होगी जब हमने उन्हें आधी रात को घर से निकाल दिया। तो गुजरी होगी ना, इससे ज्यादा गुजरी होगी। मैंने अपने बच्चों की बात भी नहीं सुनी, उन पर चोरी का इल्जाम लगा के उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बस मुझे तो ये ख्याल था कि अदील और रबाब खुश रहे, मैंने मुस्तफा और शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया। आज उसी मुकाम पे मैं भी खड़ी हूँ। चलो यार प्लीज, चलो खुदा का वास्ता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शर्जीना ठीक तो है? आप सब दुआ करें, अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को देख सकती हूँ? अभी नहीं, अभी हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप देख लीजिएगा उनको। आदिल भाई वाह, कमाल कर दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसा करेंगे। और अम्मी और अब्बा, आप लोगों ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। मुझे कुछ पता ही नहीं चला, जब घर बिक गया तब जाके मुझे पता चला। सारी गलती मेरी है बेटा, सब मेरा कसूर है। हमारे अब्बा ने तो मुझे बहुत समझाया, बहुत मना किया, मगर मैंने एक नहीं मानी। मेरी आंखों पे तो अदील की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी ना, मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। जो वो कहता गया मैं करती गई, जैसे उसने चाहा मैंने किया। आज मेरी गलती की वजह से, मेरी नादानी की वजह से हम जिल्लत में गिर चुके, इतनी बुरी तरह कि मैं बता नहीं सकती। रबाब ने हमें बहुत जलील किया, बेइज्जती की, हमें बहुत जलील किया रबाब ने, जलील करके निकाला। बहुत जिल्लत उठाई हमने, कभी सोचा भी नहीं था। जरा बेटा, मैं तुमसे पर वकास से शर्मिंदा हूँ कि हमें इस तरह यहाँ पर आना पड़ा। नहीं अब्बा, नहीं अम्मी, कैसी बात कर रहे हैं? लोग यहाँ नहीं आते तो कहाँ जाते? कि बेटी का घर है। हाँ, इस छत के अलावा तो हमारे पास कोई और जगह भी नहीं थी, यही आना था हमें, और कहाँ जाना था। परेशान नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, अल्लाह सब ठीक कर देंगे अम्मी, अल्लाह सब ठीक कर देंगे। अच्छा अभी ना सुबह होने वाली है, आप सब आराम कर ले, थक गए होंगे। ठीक है, चलिए।
जिंदड़ी नू खबर रोग केड़ा ला लिया भुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया भुल होई मेरे कोलों सजना सारा दिन हो गया तुमने कॉल नहीं की मुझे। आज फिर मैंने अकेले खाना खाया। सुनो मैम, मैं याद हूँ, तुम नहीं आए और मैं अकेली हॉस्पिटल गई। ये सब इसलिए लिख के लगाती हूँ कि शायद तुम ये पढ़ लो और मुझको मना लो। हम जो जुदा हैं कभी साथ थे कभी दूर हुए। तुम ना बदल रहे हो, तुम इतना बिजी हो, तुम्हारे पास मेरी शिकायतें पढ़ने का टाइम भी नहीं है। तुम मुझे याद करोगे? मत करना। मत रूठो शर्जीना, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे यार। देखो तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम आखिरी सांस तक मेरे साथ हो, अच्छे बुरे वक्त में साथ रहो। अभी बुरा वक्त सारा गुजर गया, अब अच्छा वक्त आ रहा है तो तुम जा रही हो यार। आ गया फूल हो।